5:08, 11:30। तो आप सबसे पहले आइएगा पेज नंबर 209 पर, प्लीज कम टू पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पेज नंबर 209 पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। एन इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसीडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2003-2004। द एस्टिमेटेड फिक्स एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज फॉर नेक्स्ट ईयर आर रुपीज 6.63 crores, 5.967 crores respectively. The sales and EBIT depend on investment in current assets, particularly inventory and receivables. The company is examining the following working capital policies. Policies kul milakar 3 hai. पहली पॉलिसी है कंजर्वेटिव, दूसरी पॉलिसी है मॉडरेट और तीसरी पॉलिसी है एग्रेसिव। और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, सेल्स गिवन है और ईबीआईटी गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच पॉलिसी। नंबर 1, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। देखिए क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। आप इसको लिखेंगे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, चलिए लिखना शुरू करिए रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। मेरे ख्याल से ये रेशियो हमने पढ़ रखी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओके, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का मतलब यस, टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अच्छा, कंजर्वेटिव पॉलिसी में आपको ईबीआईटी गिवन है 3.1365 crores। फिक्स्ड एसेट का जहां तक सवाल है वो हर समय है 6.63 crores। जो करंट एसेट्स हैं वो कंजर्वेटिव पॉलिसी में है 11.475 crores। चलिए ये जो रेशियो आपने कैलकुलेट करी है, आप मुझे इसको परसेंटेज में बताएं, 17.32%। कंजर्वेटिव पॉलिसी के बाद फिर आप लिखिएगा मॉडरेट पॉलिसी, अच्छा मॉडरेट पॉलिसी में आपको ईबीआईटी दे रखा है 2.9325। फिक्स्ड एसेट्स तो वही है 6.63, करंट एसेट्स आपको गिवन है 9.945। आंसर 17.63।
17.69%. जब आप एग्रेसिव पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें ईबीआईटी है 2.55, करंट एसेट्स है 6.63 और सॉरी फिक्स एसेट 6.63, करंट एसेट है वो भी है 6.63। आप इसको भी परसेंटेज में बताएं, 19.23%। आपने क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को डील कर लिया है, अब आप क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ आइए। सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे क्या पूछा गया है, करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला लिखेगा, करंट एसेट्स तो आप जानते ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है, 5.967। पहले आप लिखेंगे करंट एसेट्स 11.475 करोड़, करंट लायबिलिटीज हैं 5.967। रेशो 1। अब आप मॉडरेट पॉलिसी की तरफ आइए, मॉडरेट पॉलिसी में करंट एसेट्स हैं 9.945 और करंट लायबिलिटीज हैं 5.967 1.67 रेशो 1। फिर आप लिखेंगे एग्रेसिव पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी में आप करंट एसेट्स कितनी लिखेंगे, 6.63। अच्छा, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 5.967 1.11 रेशो 1। देखिए, आपने पहली रेशो कैलकुलेट करी है, आपने दूसरी रेशो कैलकुलेट करी है। रेशो कैलकुलेट करना काफी आसान काम रहा हमारे लिए, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई मुश्किल रेशो है भी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशो। करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशो, मेरे ख्याल से ऐसी कोई रेशो तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशो, अगर हम इसका फार्मूला खुद ही डेवलप कर लें तो फार्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा आपने, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो आइए पहले ये कैलकुलेशन करी जाए कंजर्वेटिव पॉलिसी के लिए। करंट एसेट्स कहां है, 11.475।
अच्छा फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है 6.63 crores, तो ये रेशियो कितनी लिखी है 1.73:1। वैसे तो इस रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, फिर भी अगर आप इसका मतलब निकालना चाहते हैं तो उसका एक ही मतलब है कि अगर फिक्स्ड एसेट एक रुपया है तो करंट एसेट है 1.73। ये वैसे तो इसका कोई मतलब बनता है, मॉडरेट पॉलिसी। ओके, मॉडरेट पॉलिसी में करंट एसेट्स कितनी है 9.945 और फिक्स एसेट कितनी है 6.63। क्या रेशो है जी 1.5:1। अब आप आइए एग्रेसिव पॉलिसी में, तो करंट एसेट्स हैं 6.63, फिक्स्ड एसेट्स हैं 6.63, रेशियो हो गई 1:1। रेशियो होगी 1:1। अब आप क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट पर आइए। क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ऑफ ईच वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। तो आप क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट के लिए हेडिंग डालिएगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि रिस्क और रिटर्न में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आप कितना कंफर्म करते हैं। सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में रिटर्न को कौन सी रेशो से पढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में हमारे हिसाब से जो पहली वाली रेशो है ये रिटर्न का इंडिकेटर है। कैसे, पहली वाली रेशो ये बतानी चाहती है कि आपके पास टोटल एसेट कितनी है और आप टोटल एसेट पे कितने परसेंटेज इनकम अर्न करते हो। अगर ये पहली वाली रेशो रिटर्न का इंडिकेटर है तो ऐसी कौन सी रेशो है जो रिस्क का इंडिकेटर है। जो करंट रेशो है वो रिस्क का इंडिकेटर है। कैसे, जब आप कंजर्वेटिव पॉलिसी में काम करते हैं तो आप अपने आप को बड़ा सेफ रखते हैं। यानी अगर आपके पास एक रुपए की करंट लायबिलिटी है तो आपके पास 1.92 की करंट एसेट है, यानी आप बहुत सेफ है, आपके पास खुद का भी पैसा काफी। लेकिन जब आप एग्रेसिव पॉलिसी में काम करते हैं ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के पैसों पे बिजनेस कर रहे हैं। यानी लोगों ने एक रुपया दे रखा है, आपके पास 1.11 रुपए, तो आपका खुद का पैसा तो बिजनेस में बहुत कम लगा हुआ है, आपका खुद का पैसा करंट एसेट में बहुत कम लगा हुआ है। हम क्या देखते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी में आपकी करंट रेशो बहुत खराब है, यानी आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि एग्रेसिव पॉलिसी में रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, तो जो आदमी बहुत एग्रेसिव होता है वो बहुत रिस्की कंडीशन में काम करता है और वो बहुत ज्यादा परसेंटेज इनकम अर्न करता है। लेकिन जब आप कंजर्वेटिव पॉलिसी में काम करते तो आपकी रेशो बहुत सेफ है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। और जो आदमी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है उसका अर्निंग का रेट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। चलिए आइए लिखिएगा, राइट डाउन। इन द गिवन केस द रिस्क इज मेजर्ड बाय, इन द गिवन केस द रिस्क इज मेजर्ड बाय करंट रेशो, द रिस्क इज मेजर्ड बाय करंट रेशो
एंड द रिटर्न इन एंड द रिटर्न इज मेजर्ड बाय द रिटर्न इज मेजर्ड बाय रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स द रिटर्न इज मेजर्ड बाय रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन में रिस्क के बारे में बात करनी है तो आप करंट रेशियो देख सकते हैं, रिटर्न के बारे में बात करनी है तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अगले पैराग्राफ में लिखेगा इन कंजर्वेटिव पॉलिसी इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन कंजर्वेटिव पॉलिसी इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द रिस्क एंड द रिटर्न बोथ द रिस्क एंड द रिटर्न आर एट लो लेवल। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में आपकी करंट रेशियो बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपने रिस्क कम लिया है। करंट रेशियो अच्छी है यानी रिस्क कम है, और अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। आगे लिखिएगा इन एग्रेसिव पॉलिसी बोथ द रिस्क एंड रिटर्न आर एट हाई लेवल तो जब आप एग्रेसिव पॉलिसी में काम करते हैं तो आपकी करंट रेशियो बहुत खराब है, इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्रेसिव पॉलिसी में अर्निंग रेट भी बहुत ज्यादा है। आगे लिखेगा इन मॉडरेट पॉलिसी बोथ द रिस्क एंड रिटर्न आर एट एवरेज लेवल मॉडरेट पॉलिसी में ना रिस्क बहुत ज्यादा है और ना ही अर्निंग रेट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने के बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आइए। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग ऑन 31st December। आप देखिएगा, यस, पहले आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर आपको फाइनेंशियल रेशियोज भी गिवन है। नीचे क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एज ऑन 31st December अमाउंटेड टू ₹26 lakh प्रिपेयर समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December एंड आल्सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st December। एक बार इस क्वेश्चन की डिटेल्स को पढ़ें, जो क्वेश्चन में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन है उसे भी पढ़ें और जो फाइनेंशियल रेशियोज गिवन है उन्हें भी पढ़ें। पढ़िए, आप क्वेश्चन की डिटेल्स को पढ़ लीजिए।
हां जी चलिए बनाइए समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31। हाँ जी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए और बैलेंस शीट बनाई जाए। अब क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल्स दे रखी हैं आप उन सभी डिटेल्स को एक एक करके देखिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं हमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में एक जगह सेल्स लिखा है तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखनी ही चाहिए। मेरा मतलब है हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे पर कई बार हम नहीं लिखते तो इसका मतलब लिया जाए कि हां ठीक है कई बार हेडिंग जो है वो इंफॉर्मेशन के कंटेंट को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करती। सेल्स आपने लिखा अच्छा सेल्स के बाद क्या लिखा जाए जो इंफॉर्मेशन हमें लगता है क्वेश्चन में हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहते हैं तो फिर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिखना चाहिए। फिर आपको डायरेक्ट वेजेस भी लिखना चाहिए। इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है डायरेक्ट वेजेस है। फिर आप कह रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो फिर उसे भी हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम उसको जरूर अगले स्टेज पर लेकर जाना भी चाहेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बारे में भी कहा गया है? देखिए और भी बहुत कुछ हो सकता है पर जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन तो बस यही है कि मैं सेल्स पता करूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट वेजेस ग्रॉस प्रॉफिट और लास्ट में नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन तो यही है। अच्छा एसेट साइड पर मुझे पहले लिखना चाहिए फिक्स्ड एसेट। एसेट साइड पर पहले लिखना चाहिए फिक्स्ड एसेट। अच्छा फिक्स्ड एसेट के अलावा हम और क्या क्या लिख सकते हैं? मेरा मतलब है करंट एसेट्स। अच्छा जब आप कहते हैं करंट एसेट्स तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन में क्या डेटर्स का रेफरेंस है? चलो ठीक है इसका मतलब डेटर्स होना चाहिए। अच्छा स्टॉक का रेफरेंस है किस किस का स्टॉक है? एक तो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो मैं पहले लिख रहा हूं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और किसका स्टॉक है? फिनिश्ड गुड्स। अगर आप कहें तो स्टॉक ऑफ WIP भी लिखा जा सकता है। नहीं क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या WIP के स्टॉक की कहीं कोई रेफरेंस है? नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे।
क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है और फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो हम उसे जरूर लिखना चाहेंगे। जितना है उतना बताइए, हो सकता है बाकी जब बैलेंस शीट बनाई जाए तो कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाए। कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन से नजर आ ही रही है। लायबिलिटी साइड पर आप क्या क्या लिखना चाहेंगे? एक तो शेयर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन में इस बात का रेफरेंस है कि शेयर कैपिटल है, इस बात का रेफरेंस है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो या से कहिए शेयर होल्डर्स फंड्स या कहिए नेटवर्थ। अच्छा, क्या क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है? तो लॉन्ग टर्म डेप्ट होना। अच्छा, अगर मैं नेटवर्थ में लॉन्ग टर्म डेप्ट ऐड कर दूं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय, हालांकि वो लिखने की जरूरत नहीं। और बताइए लायबिलिटी साइड पे क्या लिखना चाहिए? का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है हमें तो कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ रही। बाकी कई बार फिगर्स आते हैं तो उनको फिर उसी समय डिसाइड करना होता है कि उसको क्या। हां, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखने चाहिए, तो फिर तो मुझे ओपनिंग स्टॉक भी लिखने चाहिए। एक बात तो यह है कि ओपनिंग स्टॉक भी लिखो और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखो, दूसरा के दोनों मत लिखो, क्योंकि अगर आप दोनों ही नहीं लिखेंगे तो ना आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ना नेट प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये तो बात कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेम ही होते। तो वही यहां भी लिखू, वही अमाउंट में यहां भी लिखू, इसका कोई फायदा तो होगा नहीं, इसलिए बेहतर ना लिखे जाए। आपके पास दो ऑप्शन, दोनों लिखो या दोनों मत लिखो, ठीक है। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, तो बस एक समरी है और कोई बात नहीं। सर्टेनली क्वेश्चन बताए कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में कितना फर्क है, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या चाह रहे बताइए। क्लोजिंग स्टॉक में फर्क है, अगर फर्क है तो फिर बताओ फिर कितना फर्क है। तो सीमित बढ़ाना तो नहीं चाहते ना, जब क्वेश्चन ने कुछ कहा ही हम क्यों जबरदस्ती अपनी मुसीबत बढ़ाएं कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और इतना फर्क है। खैर, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन है और वो ये कि जो फिक्स एसेट है वो है 26। तो आइए एक काम करते हैं, फिक्स एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं 20 लाख। एसेट रिकॉर्ड करिएगा 26। आइएगा, मैं एक रेशियो पिक कर रहा हूं और वो फिक्स एसेट टू करंट एसेट। ध्यान से देखिएगा कौन सी रेशियो है, फिक्स एसेट टू करंट एसेट। बताइए क्वेश्चन में ये कितनी गिवन है, रेशियो 11। तो आपको ऐसा फिक्स एसेट्स बाय करंट एसेट्स टू 30:11, एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू 13:11। एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स मल्टीप्लाइड विद 11 बाय 13। फिक्स्ड एसेट्स है 6 लाख,
26, आप इसे 11 से मल्टीप्लाई करें, आप 13 से डिवाइड करें, 2 लैक्स। हाँ जी, क्रेडिट्स हैं 22 लैक्स। तो आप एक काम करिए, क्रेडिट्स का टोटल लिख लीजिए 22 लैक्स। क्रेडिट्स का टोटल लिखिए 22 लैक्स। तो एसेट साइड का 8 लैक्स। लायबिलिटी साइड का भी टोटल 48 लैक्स। लायबिलिटी साइड का भी टोटल लिखे 48 लैक्स। नोट नंबर 2, देखिए आपको इस क्वेश्चन करंट रेशियो कितनी गिवन है, 2:1। अगर करंट रेशियो 2 है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट रेशियो, दिस इक्वल टू 2। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट, दिस इज इक्वल टू 2। चाहते हैं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, आपने कैलकुलेट 22 लैक्स, आप इसे 2 से, लायबिलिटीज कितना आ गया, आप इसे 2 से, लायबिलिटीज कितना आ गया, ओके। करंट लायबिलिटीज आपने कैलकुलेट करी 11 लाख रुपए, ये करंट लायबिलिटीज आप यहां पर रिकॉर्ड करें 11 लैक्स। फिर आप लिखिएगा नोट नंबर 3, क्वेश्चन में एक और रेशियो है, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटीज 2:1। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटीज 2:1, तो हम उसको कुछ ऐसे लिखना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 11 लैक्स इज इक्वल टू रुपीज 22 लैक्स, 22 लाख रुपए। तो लॉन्ग टर्म लोन 22 लाख रुपए आप यहां पर लिखिएगा, फिर आप मुझे नेटवर्थ बैलेंसिंग फिगर बताएं 15 लैक्स, 15 लाख रुपए। नेटवर्थ है 15 लैक्स, 15 लाख रुपए। नोट नंबर 4 बनाइएगा, चलिए आपने लिखा नेटवर्थ रुपीज 15 लैक्स। अब क्वेश्चन कहता है कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4, इसका क्या मतलब है, अगर शेयर कैपिटल है 1 रुपया तो रिजर्व एंड सरप्लस है 4 रुपए और दोनों का टोटल हो गया 5 रुपए, तो 5 रुपए में 1 रुपए का शेयर कैपिटल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
ऐसे नहीं होता। तो अगर 15 लाख रुपए का टोटल है और अगर टोटल 5 रुपए है तो उसमें 1 रुपया कितना हुआ? 3 लाख रुपए। टोटल कैपिटल अगर 15 लाख रुपए है और रेशो का टोटल अगर 5 है तो रिजर्व्स का अमाउंट इसमें 4 है, रुपीस 12 लाख 12 लाख रुपए। तो आप 3 लाख रुपए लिखिए और आप 12 लाख रुपए लिखिए। चलिए कम से कम लायबिलिटी साइड तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरी तरह बना दी है। वैसे एसेट साइड भी बन चुकी है लेकिन डेटर्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अभी ये इंफॉर्मेशन हमने सबमिट नहीं करी, ठीक है। अब आप नोट नंबर 5 बनाइएगा। देखिए एक और रेशियो आपको दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स 1:3। तब आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स, दिस इज 1:3। अगर फिक्स्ड एसेट 1 रुपया है तो सेल्स 3 रुपए। सेल्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विद फिक्स्ड एसेट, 3 मल्टीप्लाइड विद 26 लैक्स इज इक्वल टू रुपीस 78 लैक्स। सेल्स आप रिकॉर्ड करें 78 लैक्स, ओके सेल्स आपने रिकॉर्ड किया 78 लैक्स। ये जो सेल्स आपने रिकॉर्ड किया है क्या इसको लिखा जा सकता है ऑल क्रेडिट सेल्स? सेल्स ऑल क्रेडिट है, अब आप ये बताइए कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में कितना है? 60 डेज। अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 60 डेज का है तो जो डेटर्स बैलेंस है वो है 60 डेज क्रेडिट सेल्स। तो आप लिखिएगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 60 डेज so that debtors balance must be representing 60 days sales, annual sale आपने पता किया है 78 lakhs, ये annual sales है, ये 360 दिनों की सेल है। आप ये बताइए कि 60 दिनों की सेल कितनी हुई? 13 लाख रुपए। अगर आपने साल के दिन 365 मान लिए तो ये कोई इश्यू नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इधर की उधर हो जाती है, वो भी बहुत बड़ा है। साल के दिन आप चाहे तो 365 मान ले चाहे तो 360 मान ले। खैर डेटर्स बैलेंस आपने कितना बताया? 13 लैक्स। डेटर्स बैलेंस आपने बताया 13 लैक्स, ये आपने यहां लिखा। अब ये बताइए क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है? 15% ऑफ सेल्स। तो एक काम करिएगा ग्रॉस प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिखेगा 15% ऑफ सेल्स।
अगर सेल 78 लैक्स है तो क्या मुझे इसका 15% बताएंगे? 11,70,000, 11,70,000 भाई, ओके। अच्छा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना लिखा है? 8% ऑफ सेल्स। अगर सेल 78 लैक्स है तो आप इसका 8% बताएं, 6,24,000, 6,24,000। आप लिखिएगा नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 में आप लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपने कैलकुलेट किया है 78 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट आपने अभी अभी बताया है 11,70,000। आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताएं, 66,30,000 ये आपने मुझे बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं वर्क्स कॉस्ट कह सकता हूं? बेसिकली ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको वर्क्स कॉस्ट पढ़ाई जाती? नहीं पढ़ाई जाती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट वर्क्स कॉस्ट है ही नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट का रेफरेंस है। अब मुझे वर्क्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अच्छा वैसे आपको फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या पढ़ाया गया है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस के टोटल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, क्या ये आपको फाइनेंशियल बुक्स में पढ़ाया गया? अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस खाली फैक्ट्री तक के ही आते हैं ना, और फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस के टोटल को हम लोग वर्क्स कॉस्ट कहते तो हैं। तो ये बात बड़े आराम से कही जा सकती है कि जिसको फाइनेंशियल बुक्स वाले कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, असल में वही होता है वर्क्स कॉस्ट। तो आप नीचे लिखिएगा वर्क्स कॉस्ट इज टेकन इक्वल टू, वर्क्स कॉस्ट इज टेकन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्क्स कॉस्ट इज टेकन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज रुपीज 66,30,000। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं आते क्या? तो मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। पहली बात तो मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ मालूम है भी नहीं, वैसे मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूं। मेरे पास इस क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट निकालने का और कोई जरिया है नहीं असल में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन वर्क्स कॉस्ट पर डिपेंडेंट है। एक तरीका तो यह कि मुझे कॉस्ट शीट बनानी चाहिए, लेकिन कॉस्ट शीट बनाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ओपिनियन नहीं है। इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, असल में उसी को तो वर्क्स कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। हां अब देखिए नोट नंबर 8 की तरफ आइएगा। अब क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, तो आप नोट नंबर 8 में लिखेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, ट्वेंटी परसेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ओके, दिस इज इक्वल टू 20% ऑफ 66,30,000 इज इक्वल टू, फिर से बताएं, 13,26,000,
और नोट नंबर 8 में ही रहिए। अब ये बताइए क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस कितना लिखा है, टेन परसेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 10% ऑफ 66,30,000 कितना लिखा है, 6,63,000। ओके 6,63,000 ये आप डायरेक्ट वेजेस रिकॉर्ड करें, 6,63,000। एक काम और करिएगा, एक और इंफॉर्मेशन है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आप बताइएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में कितना लिखा है, 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। थ्री लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम यहां लिख सकते हैं, अच्छा एक इंफॉर्मेशन है कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो 3 मंथ्स यूसेज के इक्वल है, नोट नंबर 9 बनाइएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 मंथ्स यूसेज, तो आप कुछ ऐसे लिखेगा एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ 3 / 12। अगर आप एनुअल कंजम्पशन जानते हैं तो 3 महीने का कंजम्पशन पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एनुअल कंजम्पशन आप यहां से पिक करें 13,26,000 रुपए, तो 3 महीने का कंजम्पशन कितना होना चाहिए, 3,31,500 ये आप यहां पर लिखिएगा। क्या करंट एसेट्स में आपको कोई बैलेंस नजर आ रहा है, ऑब्वियसली अगर कोई बैलेंस है तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कैश, हम उसे बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, फिर से बोले, आप कह रहे थे 170, ओके 170700, तो कैश आपने बैलेंसिंग फिगर बताया 170700। आप ट्रेडिंग अकाउंट में आइएगा, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 46,41,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, क्या माना जा सकता है इसको, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख लें, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर चला गया, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 5,46,000। जो 5,46,000 बैलेंस आया है इसे क्या लिखा जाए,
ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 13। कहां कहां एडजस्ट करें बता, जरूरत क्या उसके, अच्छा बताओ क्या करें उसका, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आते करें क्या उसके, तो बताओ करें क्या, हमारा आंसर तो आया पड़ा है, अब क्या करें, या तो एक काम करते हैं कॉस्ट शीट बनाते हो, पर मेरे ख्याल से बेहतर होगा हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें और क्या। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 13, द बैलेंस शीट ऑफ, यस द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2007 इज एज फॉलोज। आपके सामने लायबिलिटीज और फिर एसेट्स की डिटेल्स गिवन है, लायबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल्स आपके सामने हैं, और जितने भी अमाउंट लिखे हुए हैं वो सब 1000 रुपीस में है, तो हर एक फिगर में आप 3 जीरो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप सारी डिटेल्स को अपने आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, पढ़िए सारी डिटेल्स। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे, पहला काम आप लिखिएगा प्रोजेक्टेड सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे, पहला काम आप लिखिएगा प्रोजेक्टेड सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 2, क्या लिखा है उसमें, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट टू सेल्स, तो आप कुछ ऐसे लिखिएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा वैसे ये रेशियो आपको कितनी गिवन है, 1.4। एक बार फिर से कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स टू सेल्स ये आपको गिवन है 1.4। अगर मान लीजिए हम सेल्स जानना चाहते तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है ना। अच्छा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट का मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट, जैसे जो पुरानी बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिए जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी है, 16250 इन 1000, वो तो उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल कॉस्ट 16250 इन 1000, तो पहले आप लिखें 16250,
फिर आप उसमें तीन जीरो अपनी मर्जी से ऐड करें तो ये हो गया 1,62,50,000। अच्छा, क्या आपने कोई फिक्स एसेट इस साल और खरीदी है? क्या आपने कोई फिक्स एसेट इस साल और खरीदी है? 30 लाख रुपए की। क्वेश्चन कहता है कि आपने एक और फिक्स एसेट इस साल खरीदी है 30 लाख रुपए की। आप इसके टोटल को डिवाइड करेगा 1.4 से। सेल्स कितनी होगी? 1,37,50,000। आप क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पढ़ें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड। Projected profit and loss statement for the year ended on 31st March 2008. Projected profit and loss statement for the year ended on 31st March 2008. पहले लिखेगा प्रोजेक्टेड सेल्स। हां जी, अगले साल आपको क्या लगता है सेल कितनी हो सकती है? 1,37,50,000। हां जी, पहला काम आपने लिखा प्रोजेक्टेड सेल्स 1,37,50,000। देखिए, आप पॉइंट नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें लिखा है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 90% ऑफ सेल्स। क्या लिखा आपने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90% ऑफ सेल्स। अच्छा, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल्स बताई गई तो उसमें कुछ बातें क्वेश्चन ने बताई। क्वेश्चन कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 90% ऑफ सेल्स है, उसमें मटेरियल जो है वो 40% ऑफ सेल्स है, डेप्रिसिएशन जो है वो 5% ऑफ सेल्स है। तो हमने कहा देखिए, आपने मटेरियल्स बता दिया 40% ऑफ सेल्स, आपने डेप्रिसिएशन बता दिया 5% ऑफ सेल्स, तो मेरे ख्याल से अब तो वेजेस हो सकता है। और वेजेस कितना होगा? 45% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 90% ऑफ सेल्स, उसमें मटेरियल 40% है, वेजेस 45% है, डेप्रिसिएशन 5% है। तो अब आप एक काम करिए, आप सेल्स जानते हैं, आप मुझे सेल्स का 40% बताएं। फिर से बताएं, 55 लैक्स।
61 lakh 87,500 और डेप्रिसिएशन बताएं 6,87,500 ओके अब आप मुझे इन तीनों का टोटल बताएं जो कि होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ 23 लाख 75,000 आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके डिफरेंस बताएं 13,75,000 अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा फिर क्वेश्चन कहता है पॉइंट नंबर टू में कि जी अभी आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है अभी तो इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस होना बाकी है टैक्स होना बाकी है देखिए जब आप कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट तो आप पहले पुरानी बैलेंस शीट देखिएगा पुरानी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स है 19,50,000 रुपए के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% अब आप एक काम करिएगा आप पॉइंट नंबर 5 देखिएगा उसमें लिखा है कि हमने नए डिबेंचर इश्यू करे हैं 5.5 लाख रुपए के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% आप मुझे बताएं डिबेंचर इंटरेस्ट आप कितना माइनस करना चाहेंगे 2,55,500 डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करके डिफरेंस अमाउंट बताएं 11,19,500 चलिए आपने लिखा 11,19,500 रुपए अच्छा टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30% टैक्स कितना हो गया 3 लाख के बाद क्या है 3,35,850 सो दिस इज लाइक दिस 783650 एज सिंपल एज इट इज 783650 ठीक है ना अच्छा अब ये जो अमाउंट आया इसको हम क्या कहेंगे ईएटी ओके दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स ये जो आफ्टर टैक्स इनकम है आप एक काम करिएगा इसमें से माइनस करिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड जब हम पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं पुरानी बैलेंस शीट देखिए प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3,250,000 रेट है 8% सो दिस इज 8% ऑफ 32,50,000 2,60,000
क्या बात है भाई? डिफरेंस कितना है? 523650. ये जो अमाउंट आया 523650, इसके आगे आप लिखेगा अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. माइनस इक्विटी डिविडेंड. ओके, आपने लिखा माइनस इक्विटी डिविडेंड. आप देखिएगा इंफॉर्मेशन नंबर, इक्विटी डिविडेंड के कंटेक्स में इंफॉर्मेशन नंबर कौन सी पढ़ी जाए? 4, जिसमें लिखा है कि हमने मार्च 2008 में इक्विटी कैपिटल पर 7% डिविडेंड देना है. अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है इक्विटी कैपिटल है 60 लाख रुपए. हालांकि आपने नए इक्विटी शेयर इशू करे, पर वो आपने लास्ट डेट को इशू करे, तो हम पुराने शेयर पर ही 7% डिविडेंड देना चाहेंगे. ओके, दिस इज 7% ऑफ 60 लैक्स, 4,20,000. वन जीरो थ्री सिक्स फाइव जीरो के सामने लिखेगा रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग दोबारा बोलिए. रेट अगर लिखा हो तो दे देते हैं डिविडेंड, अगर रेट लिखा हो तो दे ही देना चाहिए भाई. अच्छा, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पर आइएगा. क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आप बनाएंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2008. हाँ जी, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के लिए आप परफॉर्मा बना लीजिएगा. ओके, तो आइए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं. आप लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले लिखेगा इक्विटी कैपिटल. ओके, पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है कि इक्विटी कैपिटल है 60 लाख रुपए, और आपने नए इक्विटी शेयर कितने के इशू करे हैं? 30 लाख रुपए के. पुराने इक्विटी शेयर 60 लाख के हैं, नए इक्विटी शेयर 30 लाख के इशू करे गए, तब आपके पास इक्विटी कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? 90 लैक्स, 90 लाख रुपए. जहां तक प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल है, प्रेफरेंस शेयर अभी भी वही के वही हैं जो पहले थे, उन्हें ना तो रिडीम किया गया है ना नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए, तो वो अभी भी वही का वही रहना चाहिए. अब आप लिखेंगे रिटेन अर्निंग. पुरानी बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 14 लैक्स.
इस साल का रिटेन अर्निंग 103,650। ये आपने कैलकुलेट करा रिटेन अर्निंग 1503650। अच्छा, फिर है 10% डिवेंचर्स, ये हैं पुराने डिवेंचर्स। ये जो 10% पुराने डिवेंचर्स हैं ये कितने के हैं? 19,50,000। अच्छा, फिर आपने नए डिवेंचर्स भी इशू करें, वो 11% डिवेंचर्स है ना, 5,50,000, 5.5 लाख रुपए। अच्छा, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में क्या कहा गया है? 25% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 25% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर ये रही 55 लाख रुपए। आप मुझे इसका 25% बताएंगे? 13,75,000, 13,75,000 रुपए। फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा पुरानी फिक्स एसेट्स कितने की है? 1,62,50,000 की, ठीक है ना। पुरानी फिक्स एसेट है 1,62,50,000 और नई फिक्स एसेट आपने कितने की खरीदी है? 30 लैक्स। दोनों मिलाकर बताएं, वन करोड़ 92 लैक्स, 50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 52 लैक्स, इस साल डेप्रिसिएशन कितना है? ये रहा 6,87,500, दोनों मिलाकर 18,000। आप मुझे डिफरेंस बताएं, फिर से बताएं। 1,33,00,000, 1,33,62,500। करंट एसेट्स, देखिए जो करंट एसेट्स की डिटेल देखिएगा, उसमें स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है, तीन है ना। स्टॉक तो मुझे लगता है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि डेटर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि डेटर्स के बारे में वो कहते हैं 10% ऑफ सेल्स। डेटर्स 10% ऑफ सेल्स है ना, वैसे डेटर्स 10% ऑफ सेल कितने होंगे? सेल्स तो हो रहा है 1,13,75,000।
So average stock is equal to cost of goods sold divided by 6. अच्छा cost of goods sold आपने अभी भी income statement में लिखा था 1,23,75,000. Divided by 6. 20,62,500. चलिए आपने बताया 20,62,500. अच्छा अगर ये एवरेज स्टॉक है तो मैं इसे लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20,62,500. मैं ऐसे लिख सकता हूं. देखो क्लोजिंग स्टॉक तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है. ओपनिंग स्टॉक हमें पुरानी बैलेंस शीट में कितना गिवन है 19,50,000. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 21,75,000. इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बताया जाता है. पहला काम आप ये करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर आप ये बताएं कि क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है. मैं सेल्स पूछ रहा हूं एग्जैक्टली सेल्स कितनी गिवन है. ईयर 2009 में है 23,436. और ये आपको करोड़ में दे रखी है. ये फिगर आपको करोड़ में दे रखी है ना 23,436 करोड़. आप ईयर 2008 में बताएं सेल्स कितनी है. अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने अभी भी इनकम स्टेटमेंट में लिखा था 1,23,75,000 डिवाइडेड बाय 6 20,62,500. चलिए आपने बताया 20,62,500. अच्छा अगर ये एवरेज स्टॉक है तो मैं इसे लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20,62,500. मैं ऐसे लिख सकता हूं. देखो क्लोजिंग स्टॉक तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है. ओपनिंग स्टॉक हमें पुरानी बैलेंस शीट में कितना गिवन है 19,50,000. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 21,75,000. मल्टीप्लाई करके बताया जाता है. पहला काम आप ये करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर आप ये बताएं कि क्वेश्चन में
सेल्स कितनी गिवन है, मैं सेल्स पूछ रहा हूं एग्जैक्टली सेल्स कितनी गिवन है, ईयर 2009 में है 23436, और ये आपको करोड़ में दे रखी है, ये फिगर आपको करोड़ में दे रखी ना 23436 करोड़। आप ईयर 2008 में बताएं सेल्स कितनी है, चलिए आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जानते हैं, बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले यह बताइए बिजनेस से आपको सेल कितनी हुई, सेल तो खैर आपने अभी अभी लिखी है 23436 करोड़ और है 17849 करोड़, सेल्स आपने रिकॉर्ड कर ली है। हां जी, अब यह बताइए के सेल्स के नीचे जो अदर इनकम लिखी है, क्या आप उस अदर इनकम को बिजनेस इनकम मानते हैं, नहीं मानते। और हम इस समय कैलकुलेट करना चाहते हैं बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट, तो अदर इनकम को हम बिजनेस इनकम का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है ना। चलिए आपने सेल्स लिख लिया, अब आप ये बताइए जो बिजनेस पर होने वाले खर्चे हैं अगर वो माइनस कर दिए जाएं, हम उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, हम उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाना चाहिए, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा है सैलरीज, तीसरा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और चौथा है डेप्रिसिएशन। जो क्वेश्चन ने इंटरेस्ट लिखा है उससे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं मानते ना। अब आप मुझे इन चारों एक्सपेंसेस का डायरेक्टली टोटल बता दे, पहले ईयर 2009 में 21680, ईयर 2008 में आपने बताया 16481, चलिए आप सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलेगा। बताइए ईयर 2009 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना लिखा जाए, 1756 करोड़। ईयर 2008 में कितना लिखा जाए, 1368 करोड़। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना, अगर सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो आएगा। आइए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, 1756 दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये है 1368। देखिए दूसरी वाली रेशो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहली वाली रेशो तो कैलकुलेट हो गई ना, तो आप मुझे ईयर 2009 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में बताएं, 7.49%। आप ईयर 2008 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में बताएं,
ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में गिरावट आई है, क्योंकि पहले था 7.66%, अब हो गया 7.49%। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में गिरावट आई है। क्या ये बात सही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में गिरावट आई है। लेकिन अगर दूसरी रेशो सिचुएशन को संभाल ले तो बात बन सकती है। अभी आपने ओवरऑल कंक्लूजन नहीं दिया है, आपने सिर्फ कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में गिरावट आई है। आइए हेडिंग डालें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कंसेप्ट है हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, शुरू से ही कैपिटल एम्प्लॉयड के कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस क्वेश्चन ने खुद कैपिटल एम्प्लॉयड को दो बार कैलकुलेट किया और ऊपर से हमने फिर हेडिंग डाल दी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके आंसर में आप क्या करेगा, आप पहले लिखेगा गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड, गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने माना आप शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं, हमने मांगा आप डिवेंचर होल्डर से पैसे मांगते हैं, पर आप पहले बताइए आपने पैसे मांगे कितने। कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल क्वेश्चन में कितना गिवन 10316 करोड़ एंड 9304 करोड़, ठीक है ना। जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दो बार बताया गया, तो वो कितना बताया गया है, ये अमाउंट है ना जी। आप जानते हैं कि शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर से जो पैसे मांगे जाते हैं कंपनी उसे अपने बिजनेस में लगाती। कंपनी बिजनेस में पैसा कहां कहां लगा सकती है, या फिक्स एसेट में या वर्किंग कैपिटल में। इसलिए फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल का जब हम टोटल करते हैं तो वो आंसर भी यही आता है। ये नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कहनी होगी। हो सकता है कि शेयर होल्डर से पैसे मांगे रहे लेकिन उन पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया गया। क्या ये पॉसिबल? आपने शेयर होल्डर से पैसे मांगे, आपने डिबेंचर होल्डर से पैसे मांगे, लेकिन आपने उन पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि बिजनेस में कैपिटल इतना लगा है, बिजनेस में कैपिटल इतना लगा है और बिजनेस से सेल इतनी हुई है, तो क्या हमें स्पेसिफिकली बताना नहीं चाहिए कि बिजनेस में कैपिटल कितना लगा? अगर पैसा इधर उधर कहीं लगा हुआ है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। आप इसमें से माइनस करिएगा इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इससे हमारा मतलब है इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड द बिजनेस। सीधी सी बात है, मान लो मैंने शेयर होल्डर से पैसे मांगे, मैंने डिवेंचर होल्डर से पैसे मांगे, ये क्या करके मैं बिजनेस करूंगा? पर मैंने मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अब ये क्या बात हुई बोला, आप उन पैसों से प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं? और अगर आपने उन पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी भी है तो इसका मतलब उसका इस सेल से तो कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं अगर ये बिजनेस से सेल हुई है तो बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, हम तो ये जानना चाहते हैं। अगर कैपिटल बिजनेस के बाहर कहीं लगा हुआ है तो हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 288 and 222। अगर आप ये रेशो निकालना चाहते हैं तो रेशो निकालने का जस्टिफिकेशन समझिए, बिजनेस में कैपिटल कितना लगा है और उस कैपिटल के कारण बिजनेस से सेल कितनी हुई है। क्या ये बात सही?
एक और अमाउंट जो माइनस होगा वो है कैपिटल WIP। एक जगह क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल WIP वो है 27 and 28। अच्छा, आपने स्टॉक ऑफ WIP तो सुना है ना। स्टॉक ऑफ WIP का मतलब वो स्टॉक जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है। अगर WIP का स्टॉक हो सकता है, अगर WIP का स्टॉक हो सकता है तो क्या फिक्स एसेट का भी स्टॉक, फिक्स एसेट का भी वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने शेयर होल्डर से पैसे मांगे और उन पैसों से मैंने बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में मैं बिजनेस करता हूं। इसका मतलब बिल्डिंग में मैं बिजनेस करता हूं तो बिल्डिंग में मेरा पैसा लगा है और बिल्डिंग में काम करता हूं तो मुझे सेल होती। बात अपने आप में सही है, लेकिन कई बार जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो हमें एक दो बिल्डिंग से हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें बड़ी सारी बिल्डिंगें खरीदनी भी पड़ती है और खरीद कर बनानी भी पड़ती। ऐसा हो सकता है कि एक हमारी बिल्डिंग ऐसी है जिस पे अभी रेनोवेशन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। अच्छा, चूंकि वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो क्या वहां आपने अपना दफ्तर खोल लिया होगा? नहीं। अच्छा, वहां अभी दफ्तर नहीं खुला, वहां पर अभी बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। इसका मतलब जब वहां बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुई नहीं तो क्या वो दफ्तर जिस पर काम अभी चल रहा है उसने हमको सेल अचीव करने में कोई मदद करी है? नहीं अचीव। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए बिजनेस में वो कैपिटल कितना लगा है जिसने आपको सेल अचीव करके दी है, तो आप वो उस कैपिटल की डेफिनेशन में उस दफ्तर को काउंट नहीं कर सकते हो जहां पर अभी रेनोवेशन वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसका मतलब 27 लाख और 28 लाख बेसिकली आपकी उन फिक्स एसेट को रिप्रेजेंट करता है जहां अभी काम चल रहा है और जिनको अभी आपने बिजनेस के कामों के लिए पुट टू यूज नहीं करा। असल में हम ये जानना चाहते हैं अगर ये बिजनेस से सेल हुई है तो इस सेल को अचीव करने में कितना कैपिटल बिजनेस में लगा है। इसका मतलब जो पैसा बिजनेस में नहीं लगा उसे हटाइए, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है लेकिन अभी वहां से सेल आनी शुरू नहीं हुई है उसे भी हटा दीजिए। एक और अमाउंट मैं अपनी एजम्पशन पर माइनस करना चाहूंगा, वो है लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसे मैं कह रहा था मैं इसे अपनी एजम्पशन पर माइनस करूंगा, वैसे लोन्स एडवांसेस हमें कितने गिवन है? 2043 1712। देखिए, क्या लोन एडवांस देना क्या मेरा बिजनेस है? अगर तो मेरा बैंकिंग कंपनी का केस अगर मैं डील करूं तो जी मेरा काम है लोन देना, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इस पर एतराज नहीं करना चाहिए था। पर मुझे ऐसा मानने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोन या एडवांस देना मेरा बिजनेस है, क्योंकि क्वेश्चन ने शुरू में कहा है कि कंपनी का नाम है AMP ग्राफिक्स लिमिटेड, इसलिए यह माना नहीं जा सकता कि इतना बड़ा लोन या एडवांस उन्होंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया होगा, इसीलिए मैं इसे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं मानते हुए माइनस कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर ये कैपिटल है उसमें से आइए वो सब माइनस कर दें जो पैसा आपने बिजनेस में नहीं लगाया, और वो भी माइनस कर दें कि जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे उस कैपिटल के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो मैंने रियल सेंस में बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी। 7958 7342 रियल कैपिटल एम्प्लॉय।
एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, देखिए ठीक ऐसी सोच है। अगर जैसे आप कहते हो जी मैंने शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर से इतने रुपए मांगे, हमने कहा मांगे होंगे साहब, पर ये पैसे बिजनेस में तो लगे हैं नहीं, ये पैसे कुछ इधर लगे हुए हैं कुछ उधर लगे हुए हैं, इन सबको माइनस करिए, आपका बिजनेस में कैपिटल इतना लगा। ये बात बेकार की है कि स्टूडेंट घर वालों से कितने रुपए मांग कर लाता है, जितने रुपए उसने घर वालों से मांगे उसने उतने उसने एजुकेशन में खर्च करे हैं, इस बात को नहीं माना जा सकता। सवाल ये उठता है कि उसने यहां कितनी फीस जमा कराई है। ऐसे स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है जो अगर मान लो कहीं ट्यूशन फीस 15,000 जमा करानी है तो अपने घर वालों से 20,000 पे लेते हैं। वो कहते जी 20,000 पे ठीक है, डिटेल्स किसको क्या पता है, 20,000 पे लिए 15,000 जमा कराएंगे, 5,000 हमारे। ऐसे भी स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है जो घर वालों से अगर 15,000 पे फीस लेते भी हैं तो यहां डिस्काउंट के लिए भी एप्लीकेशन देते हैं कि नहीं, और वो डिस्काउंट उनके घर वालों की नॉलेज में नहीं होता है, वो डिस्काउंट असल में उनकी खुद की जेब में चला जाता है। खैर चलिए मैं इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उठाना चाहूंगा, ऐसा मैं ही कहना चाहता हूं असल में जो पैसा बिजनेस में लगा है वो पैसा नहीं है जो आपने शेयर होल्डर से मांगा है। आपने शेयर होल्डर से इतने रुपए मांगे जरूर है पर असल में बिजनेस में कितने रुपए, देखो ऐसा आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आप लोगों की पोल खोल रहा हूं, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं और कंसेप्ट को समझाते हुए ऑब्वियस ही बात है मुझे रियल लाइफ एग्जांपल तो लेने ही होंगे ना, ठीक है। चलिए आइए, तो आप मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ईयर 2009 में बताएंगे, 294 पॉइंट, और ईयर 2008 में 243.11 कह ले। चलिए आप मुझे ईयर 2009 में आर ओ सी ई बताएं, 22.06%। आप मुझे ईयर 2008 में आर ओ सी बताएं, 18.6। देखिए हालांकि पहली रेशो ने हालत खराब करी थी ये बात हम मानते हैं, पर दूसरी रेशो ने सिचुएशन को काफी हद तक संभाल लिया है। हम क्या देखते हैं कि आपके आर ओ सी ई में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। पहली रेशो की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद दूसरी रेशो की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा हुआ है। आप नीचे लिखिएगा, एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू द ईयर 2008, एज कंपेयर टू द ईयर 2008, कॉमा देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज, देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन आर ओ सी ई इन द ईयर 2009, इन द ईयर 2009 फुल स्टॉप। दिस फेवरेबल सिचुएशन इज ऑप दिस फेवरेबल सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड, दिस फेवरेबल सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट,
कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, फुल स्टॉप. इट मींस दैट द कंपनी इज नाउ मेकिंग वेरी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. द कंपनी इज नाउ मेकिंग वेरी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल. द कंपनी इज नाउ मेकिंग वेरी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फॉर अचीविंग huge amount of sales. Full stop. It is also to be noted that increase in ROCE is despite the fact that there is decrease in operating profit ratio. इस बात पर गौर करें कि ओवरऑल फेवरेबल सिचुएशन जो आई है वो हालांकि इस बात को ध्यान में रखने के बाद है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में डिक्रीज हुआ, पर फिर भी हम आरओसीई को इंक्रीज करने में कामयाब हुए हैं. इसका मतलब अनफेवरेबल फैक्टर कोई इतना बड़ा अनफेवरेबल फैक्टर नहीं है, लेकिन फेवरेबल फैक्टर बहुत बड़ा फेवरेबल फैक्टर है. ठीक है ना. अब आप इस क्वेश्चन के सेकेंड पॉइंट की तरफ आइएगा. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि आप कैलकुलेट करें एवरेज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड यानी स्टॉक होल्डिंग पीरियड, और आप कैलकुलेट करें डेटर्स कलेक्शन पीरियड. हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग पीरियड एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड. अब ये तीन कॉलम्स बनाइएगा, पर्टिकुलर्स ईयर 2009 एंड ईयर 2008. स्टॉक होल्डिंग पीरियड, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा. अगर तो आपको आंसर कैलकुलेट करना है डेज में तो आप लिखेंगे 365 डेज, और अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है मंथ्स में तो आप लिखेंगे 12 मंथ्स. आपने स्टॉक होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला वैसे क्या पढ़ा हुआ है, 365 डेज डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो. क्या ये बात सही, इसलिए मैंने लिखा 365 डेज डिवाइडेड बाय. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का खुद का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. अच्छा, एवरेज स्टॉक जो है मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखूं, इससे बेहतर होगा मैं न्यूमरेटर में लिख दूं. मैं ऐसा कर सकता हूं ना. हां जी, तो बेसिकली अब मुझे न्यूमरेटर में एवरेज स्टॉक लिखना चाहिए, पर यह सबसे बड़ी समस्या, असल में समस्या यह है कि मैंने ईयर 2009 से पूछा कि भाई क्या तुम एवरेज स्टॉक बता दोगे, उसने कहा जी हम बता देंगे. कैसे, कहता देखो जी आप मुझे ओपनिंग स्टॉक बताइए क्लोजिंग स्टॉक बताइए हम एवरेज स्टॉक बता देंगे.
ईयर 2009 कहता है हाँ जी मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक मालूम है, मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन में 2008 भी है 2009 भी। 2009 ने जब हां कह दी कि वो एवरेज स्टॉक निकाल लेगा तो मैं 2008 के पास आया। मैंने उससे पूछा हां भाई क्या तुम एवरेज स्टॉक निकाल लोगे, कहते जी मैं तो नहीं निकाल सकता हूं, आप नो मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक बताओ। अब प्रॉब्लम यह कि इस क्वेश्चन में एक साल कहता है जी मैं एवरेज स्टॉक निकालने में कामयाब हूं, दूसरा कहता है जी मुझसे नहीं निकलता। अब यह तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई कि एक साल कहता है मैं एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लूंगा, दूसरा कहता है जी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, तो मैं यूनिफॉर्मिटी तो मुझे मेंटेन करनी है तो मैं एवरेज स्टॉक इसका मतलब लिख ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा जो मैं दोनों केस में लिख पाऊंगा, तो मुझे एवरेज स्टॉक का साथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दोनों बताने में कामयाब है, एवरेज स्टॉक दोनों नहीं बता सकते, है कि नहीं। तो मुझे अब कोई ना कोई तो मजबूरी में आंसर निकालना पड़ेगा ना। चलिए आप मुझे बताइएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले ईयर 2009 में 15179, फिर आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक ही बता दें 2709। सर क्या उल्टा लिख दी 15, हाँ सर क्लोज ऊपर 15179 और क्लोजिंग स्टॉक है 2709। अब आप मुझे बताएं 65 डेज, ओके ईयर 2008 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2540 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10996। क्या आंसर है? देखिए अगर यह आंसर 84 डेज है तो इसका मतलब सिचुएशन बड़ी फेवरेबल हो गई है। पहले आपको सामान बेचने में ना 84 दिन लग जाते थे, स्टॉक होल्डिंग पीरियड का मतलब स्टॉक कितने दिनों के लिए होल्ड करना पड़ता था, अब क्या है 65 दिनों में हमारा स्टॉक बिक जाता है। हम तो चाहते हैं कि सामान जल्दी से जल्दी बिके, हम चाहते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब सिचुएशन फेवरेबल हुई। अच्छा अगर हम चाहते हैं कि सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए तो हम ये भी चाहते हैं कि बिक जाने के बाद पैसे भी जल्दी से जल्दी मिल जाने चाहिए। एक हम चाहते हैं कि सामान जल्दी बिके, दूसरा हम चाहते हैं कि पैसे भी जल्दी मिल जाए, यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी तो कम से कम ही होना चाहिए ना। 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूं पर एवरेज डेटर्स बताना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो फिर मुझे क्लोजिंग डेटर्स ही बताना पड़ेगा मजबूरी में। अच्छा क्लोजिंग डेटर्स जो है, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है एक है 9468, अच्छा सेल्स जो है 23436 और 17849, 147 डेज एंड 193 डेज। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड में भी अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड में भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों सिचुएशन फेवरेबल ही हुई हैं। अब हम सामान जल्दी बेचने लगे हैं,
अब हमें पैसे भी जल्दी मिलने लगे हैं। अब लिखिएगा एज कंपेयर्ड टू ईयर 2008, एज कंपेयर्ड टू ईयर 2008 कॉमा द स्टॉक होल्डिंग पीरियड एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड, द स्टॉक होल्डिंग पीरियड एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड इन द ईयर 2009, इन द ईयर 2009 इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली फुल स्टॉप द सिचुएशन हैज नाउ बिकम फेवरेबल, द सिचुएशन हैज नाउ बिकम फेवरेबल इन बोथ द सेंस, द सिचुएशन हैज नाउ बिकम फेवरेबल इन बोथ द सेंस बिकॉज द कंपनी इज नाउ एबल टू मेक, द कंपनी इज नाउ एबल टू मेक अर्ली सेल्स, द कंपनी इज नाउ एबल टू मेक अर्ली सेल्स, अर्ली सेल्स एंड आल्सो क्विक कलेक्शंस, एंड आल्सो क्विक कलेक्शंस। ये हम शब्द सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अर्ली सेल्स होने लगी हैं और क्विक कलेक्शंस होने लगी हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है, आप सबको मेरा नमस्कार। आपको एफएम में थ्योरी में सिर्फ एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना ना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आप सब लोगों की शुभकामनाओं की उम्मीद करता हूं, मेरी तरफ से भी आप लोगों को काफी शुभकामनाएं हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आइएगा, जैसे इस बार हमने अपने स्टूडेंट्स में इतना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोई 8 लाख से ज्यादा का प्राइज मनी है। आप लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आपको भी प्राइज मिले और ह्यूज अमाउंट मिले। ये छोटी मोटी पार्टियों से कुछ नहीं होता भाई, मैं तो चाहता हूं आप मेरा बड़ा खर्चा करवाएं। इस बार अगर मैंने 8 लाख रुपए के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे तो अगली बार आप लोग का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 10 लाख रुपए के प्राइजेस बटने चाहिए। हमने 564 चेक इस बार दिए हैं, अगली बार मैं चाहूंगा कि 1564 हो। आप लोगों की मदद से ऐसा हो भी सकता है, तो मैं खूब चाहूंगा कि आप मेरे बड़े सारे रुपए खर्च करवाएं और बड़े अच्छे नंबर लेकर आइएगा। और 1 लाख रुपए का चेक मैं देना चाहता हूं, स्टूडेंट सौ में से 100 नंबर लेकर आए। मैं 1 लाख रुपए का चेक लेके फिर रहा हूं भाई, 100 में से 100 नंबर लाइए और ले जाइए। पर मुझे मालूम है आप में से जरूर वो स्टूडेंट निकल कर आएगा। आप लोगों की शक्लें देखकर मुझे ऐसा लगता है, आपकी शक्लें देखकर मुझे लगता है कि जरूर इसी में वो हीरा छुपा हुआ है कि नहीं। पहले जो मेरे पास स्टूडेंट थे, ठीक है, बड़े इंटेलिजेंट थे, पर पहली बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं। मतलब ऐसा है, ये बात मैं ऐसे मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये बात मुझे हर बैच में कहनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। इस बार मैं ज्यादा बड़ा चला के कह रहा हूं। चलिए, आपका और मेरा साथ यहीं तक था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बाद में भी मेरे से मिलने के लिए जरूर आए, ठीक है ना। हाँ, इवन सैटेलाइट सेंटर्स पर भी जो इतने सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि इवन आप लोग भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइज मनी सिर्फ हमारे फेस टू फेस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सैटेलाइट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे रांची सेंटर में, चंडीगढ़ में और इवन ईस्ट ऑफ कैलाश में और 2 सेंटर और हैं,
यानी टोटल 5-14 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 90 प्लस स्कोर आया है और वो सैटेलाइट सेंटर से, जो 92-95 मार्क्स के स्टूडेंट हैं उनको प्राइज मनी है 10,000 रुपीज। जिसका स्कोर 96-99 है उनका प्राइज मनी है 50,000। और 1,00,000 रुपए जो 100 नंबर को लेकर आएगा। देखिए आप सब लोगों को मैं एक बार फिर कहूंगा हार्दिक शुभकामनाएं मेरी आपके साथ रहेगी, धन्यवाद।